नमस्कार, मैं चंचल स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल चंचल का पिटारा में। तो दोस्तों, कॉफ़ी सुनते ही लगता है वाह, चाहे ठंडी हो या गर्मी। इस दुनिया में सबके पसंद अलग अलग है, चाहे वो खाने का हो या पहनने का या घूमने का, यानी बहुत कुछ है। वैसे ही कॉफ़ी भी कोई झाग वाली पसंद करता है, तो कोई सादा, तो कोई क्रीम वाली। लेकिन मैं आज आपके बीच मलाईदार कॉफ़ी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस पिटारे में रेसिपी बहुत ही आसानी से बताती हूँ, जो कि हमारे पास बराबर अवेलेबल रहता है। तो चले बनाते हैं मलाईदार कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं छोटा पैकेट कॉफ़ी का ली हूँ और पानी को गर्म कर ली हूँ। तो एक हम छोटे कप में 2 चम्मच के तकरीबन पानी डालते हैं और 1.5 चम्मच कॉफ़ी इसमें डालेंगे। ये 1/2 चम्मच और ये 1/2 चम्मच से ज़्यादा है बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो तरीका बनाने का वही है। तो देखिए, हमारा ये कॉफ़ी सिरा बनकर तैयार हो गया है। आप डायरेक्ट भी दूध में कॉफ़ी डाल सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाता है। अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और अच्छा लगता है। तो देखिए, हमारा कॉफ़ी सिरा तैयार है। अब हम मिक्सर का जार लेते हैं, इसमें हम अपना कॉफ़ी सिरा बना हुआ था वो डाल देते हैं। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डालती हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा तो और आप बढ़ा सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे। तो मलाईदार हम बना रहे हैं कॉफ़ी, तो मलाई वाले ही दूध चाहिए। तो हमारा कल का दूध था, देखिए कितना बढ़िया से मलाई जमा हुआ था। इसको डालते हैं मलाईदार कॉफ़ी के लिए मलाई वाली दूध। अब इसको हम आइस डालते हैं इसमें, तो 4-5 क्यूब आप डाल सकते हैं। और आप जितना इसको मिक्सी में घुमाएंगे उतना ही बढ़िया ये मलाई झाग बनकर तैयार होगा, उतना ही देखने में बढ़िया और इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो मैं देख रही है, तकरीबन 1 मिनट तक इसको मैं अच्छे से घुमा ली हूँ कि हमारा ये मलाईदार कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगे। तो देखिए, इसका ढक्कन उठाकर देख रहे ना, ये हमारा मलाई कितना बढ़िया आया है। अब इसे हम गिलास में निकाल लेते हैं, देख कितना बढ़िया इसकी मलाई आई है। मलाईदार कॉफ़ी की ये मलाई बहुत ही टेस्टी। अब इसे हम गार्निश करने के लिए, हमारे पास अगर चॉकलेट है या चॉकलेट वाली बिस्कुट है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बिस्कुट ही सही। इसे थोड़ा हम गार्निश कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमारा ये मलाईदार कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी मलाईदार कोल्ड कॉफ़ी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हमें और अच्छा लगेगा। और देखते रहे चंचल का पिटारा, रोज़ रोज़ अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।